इससे पहले कि हम इस सेशन का की शुरुआत करें औपचारिक तौर पर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, अरविंद केजरीवाल जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सबसे व्यस्तम व्यक्तियों में से एक अरविंद जी आज हमारे बीच में है एजेंडा आज तक में। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पांच राज्यों में चुनाव है अगले साल की शुरुआत में, कम से कम तीन ऐसे राज्य दिखाई दे रहे हैं जहां पर आप लोग कॉन्टेस्ट में हैं अच्छे से, किससे शुरुआत करें? सबसे पहले आपको एक अच्छी खबर दे देता हूँ जी, कार्यक्रम शुरू होने के पहले, अभी अभी मैं सीधा रेलवे स्टेशन से आ रहा हूँ आपके प्रोग्राम में, और अयोध्या जी के लिए तीर्थ यात्रा की दिल्ली से अयोध्या की पहली ट्रेन को मैं सी ऑफ करके आ रहा हूँ। दिल्ली के 1000 बुजुर्ग, हमारे माता पिता समान बुजुर्ग, आज दिल्ली से अयोध्या के लिए अभी रवाना हुए हैं। वहाँ पे श्री रामचंद्र जी के दर्शन करेंगे और इतने खुश थे मैं बता नहीं सकता, बहुत खुश थे। यू शुड हैव सीन देयर फेसेस, उनके देखने चाहिए थे चेहरे। अगर बुढ़ापे में तीर्थयात्रा करने को मिल जाए, बहुत सारे लोग हैं जिनको भगवान ने साधन नहीं दिए अपनी ज़िंदगी में, तो उनको अगर कहीं से कोई तीर्थयात्रा करा दे तो बहुत आशीष देते हैं। पंजाब जीतने का आशीर्वाद मिला अरविंद जी? हमें कोई जीत हार का आशीर्वाद नहीं चाहिए, देश के लिए आशीर्वाद हो, सबकी सुख शांति के लिए आशीर्वाद हो, करोना से मुक्ति मिले, सब लोग सुख शांति से जिए, यही आशीर्वाद चाहिए। ये चूंकि अयोध्या की ट्रेन की रवानगी हुई है तो उत्तर प्रदेश से शुरू करना होगा हमें चर्चा को, या कहीं से पंजाब से ही करें? कहीं से शुरू कर दे, देश तो पूरा ही अपना है। राजनीतिक तौर पर अपना बनाते भी रहना है? नहीं, सारा देश अपना है, राजनीति अलग चीज़ है, सारा देश अपना है, अपने को सारे देश के बारे में सोचना है। अरविंद जी, पिछली बार पंजाब में आप लोग काफ़ी सोच कर गए थे कि पंजाब भी शायद अपना है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जितनी उम्मीद थी उतनी सीटें आप लोगों को मिली नहीं थी। जीते या हारे, पंजाब है तो अपना, हारने से पंजाब में सरकार नहीं बनी तो क्या हुआ, पंजाब के लोग बहुत प्यार करते हैं हमें। पंजाब कनेक्ट आपका अरविंद जी क्या है? क्योंकि पंजाबी या तो गिद्दा के लिए जाना जाता है, भंगड़ा के लिए जाना जाता है और बटर चिकन के लिए जाना जाता है, आपका कनेक्ट क्या है? पंजाब में बहुत विकास हो सकता है, पंजाब में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। मैंने जितना भी स्टडी किया, ख़ास तौर से खेती और इंडस्ट्री में इतनी पोटेंशियल है। पंजाब का यूथ जो है, पंजाब में यूथ ही नहीं बचा, बहुत सारा यूथ तो विदेश चला गया और जो बचा वो नशे में डूब गया। पंजाब को ठीक किया जा सकता है और पंजाब की बहुत तरक्की हो सकती है, बशर्ते साफ़ सुथरी अच्छी राजनीति आ जाए। अरविंद जी, आपने तो बोला पंजाब आपका है, आप बहुत प्यार करते हैं जीते हारे, पर आप अपने आप को, आपकी पंजाबियत क्या है? क्योंकि जो अभी नेहा ने सवाल किया उसी से पूछना चाहूँगी कि आपको एक्सेप्ट पंजाब करेगा कि नहीं करेगा? आप ना नॉन वेजिटेरियन हैं, आप ना पेग लगाते हैं, आप ना भंगड़ा पाते हैं, आपकी पंजाबियत क्या है? इंसान का इंसान से है भाईचारा, यही पैगाम हमारा। पंजाब से प्यार मिलने की बात आपने की थी, लेकिन राजनीतिक प्यार सीटों में ही परिवर्तित होता है, तो पिछली बार क्या कमी रह गई थी, इस बार क्यों आपको लग रहा है? पिछली बार भी कोशिश की, इस बार फिर कोशिश करेंगे, अगली बार और कोशिश करेंगे, कोशिश करते रहेंगे, ट्राई एंड ट्राई अगेन, सक्सेसफुल मिलती है, मिलेगी सक्सेस इसी बार मिलेगी, देखना आप। अमरिंदर सिंह छोड़कर चले गए, उससे फायदा हुआ आपको या नुकसान हुआ? जाहिर तौर पे देखिए, पिछली बार कांग्रेस ने बड़े बड़े वादे किए थे, उन्होंने कहा था सबको रोजगार देंगे, घर घर में उन्होंने रोजगार का एक कार्ड बांटा था कि जैसे कैप्टन साहब जीत जाएं ये कार्ड ले आना उनके घर पे और आपको रोजगार मिल जाएगा। 30 लाख कार्ड बांटे थे, 5 साल में एक भी बच्चे को रोजगार नहीं मिला। फिर उन्होंने कहा था स्मार्टफोन देंगे, 4 वादे उन्होंने मेन किए थे, एक भी बच्चे को स्मार्टफोन नहीं मिला। फिर उन्होंने कहा बुढ़ापा पेंशन 2500 कर देंगे, 5 साल में उन्होंने नहीं की। फिर उन्होंने कहा था किसानों के लोन माफ़ करेंगे, वो भी नहीं किए। फिर अब चुनाव के 3 महीने पहले उनको लगा यार कैप्टन साहब को अगर जारी रखा तो हार जाएंगे, तो उन्होंने वो बदल दिए। अब चन्नी साहब आ गए, चन्नी साहब भी कर कुछ नहीं रहे,
रोज ऐलान पे ऐलान करते हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों को हम 5-5 मरले के प्लॉट देंगे, साइज़ होता है मरले इज द साइज़, जैसे एकड़ होता है मरले होता है, 5-5 मरले के प्लॉट देंगे। लाखों लोगों ने फॉर्म भर दिया अभी सितंबर अक्टूबर के महीने में, अभी तक एक भी आदमी को, इस बार तो वो ऐलान, अब तो सरकार है उनकी, देना तो शुरू तो करें कम से कम, एक भी आदमी को अभी तक प्लॉट नहीं दिया। फिर मैं गया वहाँ पे, मैंने कहा मैं बिजली माफ़ करूँगा जैसे दिल्ली में की, तो 2 दिन बाद वो कहते हैं मैं भी बिजली माफ़ हो गई पंजाब में, अभी तक एक भी आदमी का 0 बिल नहीं आया। तो वो अब कैप्टन साहब की एंटी इनकम्बेंसी ख़त्म करने के वो चन्नी साहब को ले आए। अब चन्नी साहब वादों पे वादे ऐलान पे ऐलान कर रहे हैं। कल चन्नी साहब ने कहा कि मैं तो मुख्यमंत्री बनने वाला ही नहीं हूँ, मैं तो मुख्यमंत्री की रेस में ही नहीं हूँ। तो मतलब वो कह रहे हैं कि ये जितने ऐलान मैं कर रहा हूँ ये अब अगला भुगतेगा जो भी आएगा। तो मतलब नेट नेट नुकसान हुआ है अमरिंदर जी के जाने का आपको, आम आदमी पार्टी को पंजाब में? मुझे लगता है पंजाब को ही नुकसान हुआ है जिस तरह की राजनीति चल रही है। मुझे लगता है कि अब एक अच्छी राजनीति चाहिए, विकास की राजनीति चाहिए, ईमानदार राजनीति चाहिए, ईमानदार नेता चाहिए कि जो कहें वो करें। अभी झूठ पे झूठ, वादों पे वादे, ऐलान पे ऐलान, अब पंजाब की जनता देख रही है। एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है पंजाब के साथ कि पंजाब और दिल्ली के अंदर आवागमन काफ़ी ज़्यादा है। पंजाब के लोग दिल्ली आते रहते हैं, दिल्ली के लोग पंजाब जाते रहते हैं। तो पंजाब के लोगों ने देखा कि दिल्ली में इतना विकास हो गया, दिल्ली में आते हैं लोगों से बात करते हैं, लोग अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं, लोग कहते हैं यार यहाँ बिजली पहले बहुत पावर कट लगते थे, अब तो 24 घंटे बिजली आती है, अब तो हमारे बिजली के बिल भी नहीं आते, बिजली के बिल 0 आते हैं। फिर कई लोगों ने स्कूल देखे यहाँ पर दिल्ली के, वो कहते हैं यार स्कूल तो बड़े अच्छे हो गए। फिर अस्पताल देखे, अस्पताल भी बड़े अच्छे हो गए, मोहल्ला क्लिनिक भी बन गए। तो फिर वो कहते हैं यार पंजाब में भी ऐसा होना चाहिए। तो पंजाब वाले कह रहे हैं एक मौका तो देना बनता है। अरविंद जी और चन्नी जी का क्योंकि आपने जिक्र किया, फ्रीबीज को लेकर आपने झड़ी लगा दी वहाँ पर। चन्नी जी ने कहा कि तू डाल तो मैं पात, मैं भी फ्रीबीज की झड़ी लगा देता हूँ, लेकिन ज़मीनी तौर पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। सवाल सुन लीजिए मेरा, आप उन फ्रीबीज को इम्प्लीमेंट कैसे कर पाएंगे जब स्टेट में फंड्स की कमी है? क्योंकि 1000 रुपये आप महिलाओं को देंगे, 300 यूनिट बिजली आप फ्री कर देंगे, आपने वहाँ के बिजनेसमैन को अलग से 5 प्रोमिस किए हैं, कैसे हो पाएगा ये सब कुछ? सब कुछ होगा, ईमानदार आदमी आएगा, ईमानदार सरकार आएगी, ईमानदार पार्टी आएगी, सब कुछ होगा। दिल्ली में भी पहले बुरा हाल था, दिल्ली में शीला जी के टाइम में अगर आपको याद हो वो कहती थी पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, घाटे में चल रहे हैं, घाटे में चल रहे हैं। अब देखो पैसा भी आ गया, बिजली भी फ्री हो गई, स्कूल भी बन गए, अस्पताल भी बन गए, अभी बुजुर्गों को तीर्थयात्रा भी मिल गई फ्री में, सब कुछ हो रहा है। क्यों? ईमानदार सरकार आ गई। मैं आपको हिसाब भी बता देता हूँ, मैंने पंजाब में, मैं जब भी कुछ बोलता हूँ सारी कैलकुलेशन करके जाता हूँ। मैंने कहा पंजाब में फ्री बिजली देंगे, दिल्ली में दी हमने तो मानते हो हम कर सकते हैं, करना आता है हमको और हमको ही करना आता है और किसी को नहीं आता। पंजाब में हमने कहा भाई हम इतनी बिजली फ्री देंगे, उसका करीब 2 से 2500 करोड़ का खर्चा आएगा। हमने कहा हर 18 साल से ऊपर की महिला को 1000 रुपये महीना देंगे। पहले तो ये समझ लीजिए इसका इम्पैक्ट क्या है, हर महिला को 1000 रुपये महीना देने का कितना बड़ा इम्पैक्ट है महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर। अभी तक बड़ी बड़ी बातें हुई हैं हमारे देश के अंदर, देश का ये दुनिया का सबसे बड़ा विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम होगा। 18-19 साल की बच्ची जिसका कॉलेज छूट जाता है क्योंकि पिताजी पैसे नहीं देते, बेटे को पढ़ाना चाहते हैं पिताजी, परिवार बेटे को पढ़ाना चाहता है, उसकी कॉलेज की पढ़ाई बंद नहीं होगी। एक गृहिणी 1000 रुपये अगर उसके उसमें आते हैं, आज इतनी महंगाई हो रही है, इतनी महंगाई हो रही है, सारी सरकारों ने महंगाई कर दी, अगर उसके पास 1000 रुपये हम दे देते हैं वो पता नहीं कितनी चीज़ें कर सकती है, बच्चों के लिए कुछ खरीद सकती है, थोड़ा सा सब्जी ला सकती है, दूध ला सकती है बच्चों के, पता नहीं क्या क्या कर सकती है 1000 रुपये में। एक बुज़ुर्ग महिला, उसके हाथ में 1000 रुपये आ जाते हैं। कई लोग कहते हैं अमीरों को क्यों दे रहे हैं। अभी मेरे पास एक अमीर दोस्त आया, मुझे आके कहता है कि एक दिन मेरे पिताजी आए मेरे पास और मुझे आके कहते हैं कि बेटा मेरी जेब खर्ची लगा दे। तो मैंने कहा पिताजी आपको जेब खर्ची की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना, आप मुझे हुक्म करो। कहते मेरे को अब मार्केट में गोलगप्पे खाने जाना है तो मैं तेरे से पैसे मांगूंगा। एक बुजुर्ग के हाथ में अगर जेब में 1000 रुपये महीना आते हैं तो उसकी अलग से उसकी वो बनती है, उसकी एक इंडिपेंडेंस आती है। एक मिनट जल्दबाजी नहीं, तो टोटल 8000 करोड़ रुपये के करीब का खर्चा है विमेन वाला, टोटल हो गए 10000 करोड़। अब पंजाब का बजट टोटल है 1,70,000 करोड़,
आपके हिसाब से कितना परसेंट करप्शन होता होगा एक ठेका अगर दिया जाता है तो? लोग कहते हैं 40% है, 50% है, सारा खा जाते हैं। मैं कहता हूँ 20% मान लो, तो 34,000 करोड़ रुपए का तो करप्शन ही हो गया। इस पैसे को बचा लेंगे जैसे दिल्ली में बचाया? रेते का बिजनेस है, वहाँ पे रेते में इतनी चोरी है, अगर ये रेते की चोरी बच गई तो 20,000 करोड़ यहाँ से आएगा, तो 54,000 करोड़ हो गया। अभी तो मैंने 10,000 करोड़ के ही फ्री भी दिए हैं। अरविंद जी, इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि सिद्धू जी इसी को लेकर आप पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि लोगों को सशक्त बनाइए, उन्हें रोजगार दीजिए, उन्हें इस तरीके के मौके दीजिए कि वो अपने लिए खुद ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकें और उनके हाथ में पैसा आए। फ्री देने से कुछ नहीं होगा। मैं सिद्धू जी को पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, आप सरकार छोड़िए, हम कर देंगे। पर अरविंद जी, नहीं नहीं, सिद्धू के साथ का मामला क्या है? राघव चड्ढा कमेंट करते हैं तो बोलते हैं ये पॉलिटिक्स की राखी सावंत है। आप थोड़ा सॉफ्ट रहते हैं उन पर, आपको अभी भी उम्मीद है कि नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी में आएंगे, आपका सीएम फेस बनेंगे? कोई पार्टी में नहीं आ रहे, पता नहीं आपको किसने बहका दिया, वो पार्टी में नहीं आ रहे। वो मेरा किसी, हमारा ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है। अगर वो कोई अच्छी बात करते हैं हम उनकी तारीफ़ कर देते हैं, विपक्ष में है तो क्या हुआ, कभी कभी तारीफ़ कर देनी चाहिए अच्छी बातों की। वो अगर कोई गलत बात करते हैं हम उसके बुराई करते हैं, तो दोनों करते हैं हम। पर आप अगर वो विपक्ष से आपके पक्ष में आना चाहें तो क्या सिद्धू के लिए द्वार खुले हैं आम आदमी पार्टी के पंजाब में? अगर आप उनका मैसेज लेके आई हैं तो मैं बात करूं। नहीं तो ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। नहीं, अच्छा मान लीजिए मैसेज लेकर आई है ना, मान कैसे लें? अरे तो सीएम बना देंगे आप, सीएम उम्मीदवार। तो आप कॉन्फिडेंट है ना कि आम आदमी पार्टी का ही सीएम बन रहा है? आम आदमी पार्टी सीएम फेस क्यों नहीं दे रही है? ऐसा तो नहीं, क्योंकि देखिए आपकी पार्टी में अगर एक चेहरे की बात हो तो वो अरविंद केजरीवाल हैं, तो क्या पंजाब जीतेंगे तो अरविंद केजरीवाल जाएंगे वहाँ? अरविंद केजरीवाल दिल्ली का बेटा है, दिल्ली का भाई है, दिल्ली में ही रहेगा, दिल्ली वालों को बहुत प्यार मिला है मुझे, मैं दिल्ली छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो पंजाब में नकली केजरीवाल रहेंगे? नहीं, वो जाएंगे अब, उन्होंने कल खुद ही स्टेटमेंट दे दिया, चन्नी साहब ने कल बोला कि उनके शायद कांग्रेस वालों ने उनको बोल दिया कि वो सीएम कैंडिडेट नहीं है। अरविंद जी, आपने क्लैरिफिकेशन दे दिया नकली केजरीवाल पर, लेकिन उनका एक और आरोप है कि आप काले अंग्रेज हैं, आपके रंग पर भी उन्होंने टिप्पणी। मैंने कल बोला था हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। उन्होंने कहा कि वो लूट रहे हैं और इस बात को पहचानना चाहिए। मैं उनको कहना, फिर से कहना चाहता हूँ, कल मैंने बोला भी था, देखिए मैं जैसा भी हूँ, उन्होंने मेरे कपड़ों पे भी, जब से मैंने कहा है ना कि मैं हर महिला को 1,000-1,000 रुपये दूंगा, तो वो मेरे को खूब गालियाँ दे रहे हैं। चन्नी साहब बोले कि केजरीवाल कपड़े बड़े सस्ते पहनता है, इसको कोई 5,000 रुपये दे दो अपने लिए अच्छी शर्ट खरीद लेगा। मैं जैसे भी कपड़े पहनता हूँ मैं खुश हूँ, पर जो 1,000-1,000 रुपये दूंगा ना, उससे मेरी माँ बहनें अपने लिए नया सूट खरीद लेंगी, उससे मुझे बड़ी तसल्ली मिलेगी। मैं काला हूँ लेकिन अपनी सारी माओं को काला बेटा पसंद है, ये अपनी सारी बहनों को ये काला भाई पसंद है। मेरी नीयत साफ है, मैं शक्ल से काला हो सकता हूँ, मेरी नीयत साफ है। मैं उनको कहना चाहता हूँ, यही सस्ते कपड़े पहनने वाला और यही काला आदमी अपने सारे वादे पूरे करके दिखाएगा सरकार बनने के बाद। अरविंद जी, आपने महिलाओं की बात फिर छेड़ी, तो पूछना चाहूंगी कि दिल्ली की महिलाओं ने आपका क्या किया है? यहाँ की भी तो माँ बेटियों को 1,000 रुपये दे दीजिए ना, अगले चुनाव की वेट करनी पड़ेगी। देंगे देंगे, जरूर देंगे। कब देंगे? जरूर देंगे, चिंता मत कीजिए, पेशेंस रखिए, सब अच्छे काम होंगे। चुनावी दौड़ शुरू हुई, भारतीय जनता पार्टी ने कहा एक दलित डिप्टी सीएम फेस की बात की, आपने कहा कि दलित सीएम हम करेंगे, कांग्रेस ने बाजी मार ली, उन्होंने दलित सीएम बना ही दिया। आपको लगता है चन्नी के आने से? पर कांग्रेस बदमाशी कर रही है, कांग्रेस ने चुनाव के पहले 3 महीने के लिए दलित सीएम बनाया है, क्योंकि उनको बस उनके वो कल, आपको यकीन है चन्नी के चेहरे पर वो चन्नी वापस नहीं आएंगे? वो कल उन्होंने खुद ही बोला है, मैं नहीं कह रहा, उन्होंने कल बड़े इम्फैटिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि मैं सीएम उम्मीदवार नहीं हूं। उनको कांग्रेस हाईकमांड ने बोला है कि आपको सीएम नहीं बनाने वाले, तो कांग्रेस ने दगा किया दलितों के वोट लेने के लिए ना। आप दगा करेंगे क्या? हम दलित सीएम बनाएंगे? हम इस तरह की गंदी राजनीति, मतलब दलित सीएम वाला मैं, लेकिन
ये इस तरह की गंदी राजनीति नहीं करते कि चुनाव के 3 महीने पहले हम कर दें और फिर झूठ बोलें, और इस तरह के काम हम नहीं करते। केजरीवाल जी, वहाँ जो आपका वोट परसेंटेज है पंजाब में, कितना पिछले चुनावों में रहा था, कितना उसके बाद जब म्यूनिसिपल चुनाव अभी हुए, आप जितने विधायकों के साथ आए थे उनमें से 9 या तो निकाल दिए गए या दूसरी कांग्रेस में चले गए, तो आपका दावा इस बार अगर पंजाब का है तो किस आधार पर है? जनता चाहती है। पर जनता तो वोट परसेंटेज में क्यों नहीं आपके रिफ्लेक्ट करता है? वो तो पास्ट था, हर बार ऐसे थोड़ी रहता है, अब देखना। इसी साल की तो बात होगी। नहीं तो वो तो फरवरी में था, अब देखना। आपके सर्वे क्या कह रहे हैं? सर्वे तो अभी हम करेंगे। आप खांस रहे थे कि ये दिल्ली की पॉल्यूशन है, क्योंकि खांसी तो ठीक हो गई थी आपकी। खांसी अभी भी ठीक है, टच वुड, फिंगर्स क्रॉस्ड, खांसी ठीक ही रहे तो अच्छा है। लेकिन पॉल्यूशन एक इस वक्त एक सीरियस प्रॉब्लम है। मैं ये कहूँ कि पॉल्यूशन ठीक हो गया, वो ठीक नहीं होगा। लगभग 30 सितंबर तक का जो डेटा आप अगर देखते हैं दिल्ली का, तो वो उस टाइम पॉल्यूशन ठीक था, एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग 100-125 के नीचे था, जो कि ठीक माना जाता है। उसके बाद पॉल्यूशन बढ़ने लगता है, और वो आसपास के राज्यों में जो पराली जलती है उसका धुआं जब दिल्ली आता है उसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले कुछ दिनों के अंदर ये ठीक हो जाना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सारी सरकारें मिलके इसका पराली का भी समाधान निकालें, ताकि किसान जो बेचारे दुखी होते हैं। अब ये देखो कि दिल्ली में तो हमें पराली का धुआं दिख जाता है। मैं पंजाब गया था, वहाँ के किसान बोले कि सर ये जितने टीवी वाले हैं और जितने सारे कहते हैं दिल्ली में पराली का धुआं, दिल्ली में, बोले आप ये सोचो कि जो किसान अपने खेत में पराली जलाता है उसके लंग्स का क्या हाल होता होगा, वो कितना धुआं अंदर लेता है, उसकी कोई नहीं सोचता, उसको कितना धुआं लेने पे मजबूर कर रही है उनकी सरकारें। समाधान क्यों नहीं निकाल रही है सारी सरकारें मिलके उसको जलाने के लिए? कोई किसान पराली नहीं जलाना चाहता, उसको जलाने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है? अरविंद जी, क्योंकि आपने क्लैरिफाई किया आज हमारे मंच पर कि आप पंजाब के सीएम तो कम से कम नहीं बनने वाले, यही रहेंगे। आपको कई बार से प्यार है, कई बार बोल दिया। कांटों भरा ताज भले ही हो, पॉल्यूशन हो, यहाँ पर वैक्सीनेशन की समस्या आपने गिनाई थी, यमुना को लेकर आपको टारगेट किया जाता है, लेकिन आप बने यही रहेंगे। खतरों के खिलाड़ी हैं आप। देखिए, अगर आपको बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो खतरे तो होते ही हैं, चैलेंजेस भी होते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि 2012 में जब हमने पार्टी बनाई थी, नवंबर 26 नवंबर 2012 को, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक साल के अंदर हमारी सरकार बन जाएगी। पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ ऐसा। हमारी सरकार बनी, 49 दिन की सरकार बनी, उसमें जो हमने काम किए उसके बाद जनता ने 67 सीट दे दी। ये भी आज तक कभी भारत के इतिहास में नहीं हुआ कि 67 सीट कोई नई पार्टी की आ जाए और इतने भारी बहुमत से आए। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी जनता ने दी है, तो चैलेंजेस तो हैं, उन चैलेंजेस को आप सबके साथ मिल के ही पूरा करेंगे। मुझे लगता है कि ये उससे ज़्यादा बड़ी कामयाबी वो होती है कि जब आप बहुमत के साथ आते हैं और अगली बार सरकार रिपीट करते हैं। लेकिन आपको लगता है कि आपने दिल्ली के सारे वादे पूरे किए? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने 8 लाख नौकरियों का वादा किया था। नहीं, जो आपको एट्रीब्यूट होते हैं कमेंट्स, तो आप एट्रीब्यूट भी आप ही लोग करते हैं या विपक्ष वाले करते हैं कि ये कह देते हैं केजरीवाल ने ये कहा था? पर जनरेट कर पाए आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट? हाँ, काफ़ी किया। मैं आपको थोड़े से टोटल स्टेट, जैसे एक छोटा सा कोरोना के टाइम पे मैं बताता हूँ। कोरोना के टाइम पे क्या हुआ कि बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, दुकानें बंद हो गई, मार्केट बंद हो गई, नौकरियाँ चली गई। हमने एक जॉब पोर्टल शुरू किया। हमने कहा भाई, जिन जिन फैक्ट्रियों को और जिन जिन दुकानों को नौकरी की ज़रूरत है, आप अपना एडवर्टाइज़ करो कि हमें नौकरी देनी है, और जिन जिन को नौकरी चाहिए वो अपना बायोडाटा डालो, और यहाँ मैच मेकिंग हो जाएगी। जब ये पोर्टल शुरू किया था, हमने सोचा था कि अगर महीने भर में 25-30 हज़ार आ गई वैकेंसीज तो हम खुश हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा, 2 महीने के अंदर 10 लाख नौकरियाँ उस पर एडवर्टाइज़ हुई थी। 10 लाख नौकरियाँ, बुढ़ेरों लोगों को नौकरियाँ मिली थी। फिर हमने इतने सारे मोहल्ला क्लिनिक बनाए, एक एक मोहल्ला क्लिनिक में कम से कम 4 लोगों की नौकरियाँ लगती है। हमने डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की। डोर स्टेप डिलीवरी मतलब कि अगर आपको सरकार से अब दिल्ली में कोई भी काम कराना है तो आपको दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है। एक 1076 नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर डायल करो, हमारी सरकार से कोई आदमी आके आपके घर काम करके जाता है। इसमें ढेरों एजेंट्स की भर्ती हुई है, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, बस मार्शल्स,
ढेरों लोगों की भर्तियां हुई हैं, तो काफ़ी नौकरियां दिल्ली में मिली हैं, पंजाब में भी देंगे। चलिए मैं पंजाब का एक और सवाल पूछना चाहूंगी अरविंद जी आपके साथ। पंजाब का मुख्यमंत्री आप कह रहे हैं कि चुनाव के पहले आप घोषित करेंगे, कौन होगा? दलित होगा, क्योंकि आप बोल चुके हैं पहले दलित आप सीएम बनाएंगे। ईमानदार होगा, ईमानदार होगा, पंजाब के स्कूल अच्छे करेगा, अस्पताल अच्छे करेगा, सबके लिए पानी की सुविधा करेगा, बिजली की सुविधा करेगा, खेती अच्छी करेगा, इंडस्ट्री अच्छी करेगा, ईमानदार सरकार देगा, करेगा, विकास करेगा। करेगी तो नहीं है, वो तय करेगी भी हो सकता है वो तय हो गया है। अब आप बहुत डिटेल में मत जाइए, उसकी हाइट कितनी होगी, उसका वेट कितना होगा। तो करेगी भी हो सकती है, अच्छा आदमी अच्छी औरत होगी। अरविंद जी, क्योंकि आपने स्पष्ट किया कि आपको दिल्ली से बहुत ज्यादा प्यार है, और दिल्ली से ही मुझे मेरे देश से प्यार है। चलिए, आपको देश से प्यार है, आप देशभक्त हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल पर सबसे बड़ा आरोप ये लगता है कि वो ब्लेम गेम बहुत खेलते हैं। जब भी उन पर कोई सीधी बात आती है वो सेंटर पर डाल देते हैं। वैक्सीनेशन की बात आई तो उन्होंने कहा कि कम डोजेज है। पोल्यूशन की बात आई तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि दिल्ली के स्कूल्स नहीं खुलने चाहिए थे। इसको लेकर अभी एक दो दिन पहले ही ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो ये जो डाइवर्जन शिफ्ट हमेशा मुद्दों को लेकर रहती है, इससे कब दिल्ली वालों को निजात मिले? मैंने तो कभी ब्लेम गेम नहीं किया। अभी आपका पूरा स्टेटमेंट आप देखो, ये सारे आपने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा रखे हैं कि आपने ये कहा, आपने ये कहा। मैंने तो ऐसा कभी भी कुछ नहीं कहा। जैसे अभी आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले, मैंने तो कभी नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले। मैंने तो कभी, वैक्सीनेशन की कमी है तो हम कहेंगे कि कमी है। देखो, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जब कोरोना की सेकेंड वेव आई, सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की कमी हुई। अब ऑक्सीजन कौन देगा? केंद्र सरकार देगी, क्योंकि हमारे पास तो थी नहीं, तो हमने कहा ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो। अब आपको कोई ब्लेम गेम कर रहा, लेकिन हम इतने चिल्लाए ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन आ गई। फिर अगर हम नहीं चिल्लाते तो आपके लिए ऑक्सीजन कैसे आती? तो माँ भी अपने बच्चे को दूध तभी पिलाती है जब बच्चा रोता है। हम रोए, हम चिल्लाए, हमने वो तीन चार रातें जो हैं मेरे लिए इमोशनली बहुत ज़्यादा पेनफुल थी। इतने फ़ोन आ रहे थे, इतने फ़ोन आ रहे थे, यहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल रही, वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल रही, मेरे को बेड दिला दो, मेरे को ये कर दो। बेड हम एक साथ 10,000 बेड क्रिएट कर सकते हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर अगर मिल जाए तो। हम ऑक्सीजन के सिलेंडर लगा के कर सकते थे, बहुत सारी जान बचाई जा सकती थी। लेकिन हम चिल्लाए, चीखे, मांगा, तभी तो ऑक्सीजन मिली। अब वैक्सीनेशन उस टाइम कमी थी, हम चीखे चिल्लाए मांगा तभी तो वैक्सीन मिले। अब वैक्सीन की कमी नहीं है, मैं कह रहा हूँ अब वैक्सीन की कमी नहीं है। पर अब ओमिक्रॉन को देखकर तैयारी पूरी है हमारे पास? पूरी तैयारी है, मैंने अभी दो दिन पहले ही पूरी मीटिंग ली है, तो ऑक्सीजन की, बेड्स की, दवाइयों की, सबका जायजा हमने लिया है। तो भगवान ना करे ओमिक्रॉन फैले, लेकिन अगर फैलता है तो हम अपनी तरफ से तैयार हैं। सरकार ने गलत किया जो उन्होंने ऐलान किया था कि जो फ्लाइट्स हैं वो खोल देंगे? मेरे ख्याल से सारे देश जितने भी हैं, अभी तीन दिन पहले जापान ने भी सारी फ्लाइट्स बंद कर दी, नेपाल ने अभी दो दिन पहले फ्लाइट्स बंद की हैं, हमें भी कर देनी चाहिए थी टाइम पे। अब जैसे ये दो कर्नाटका में जो मिले हैं, ये साउथ अफ्रीका वाले आए हुए हैं, अगर हम फ्लाइट्स टाइम पे बंद कर दें तो शायद रोका जा सकता था। अरविंद जी, क्या कभी आपने ये माना कि कृषि कानून जो लाए गए थे वो किसानों के हित में थे? क्योंकि आपका एक वीडियो बार बार सर्कुलेट होता है, क्योंकि अब आपने ये कहा कि देश के हित में फैसला हुआ है, किसानों के हित में फैसला हुआ है, कि इन कानूनों को वापस ले लिया गया, यानी रिपील कर दिया गया है। क्या कभी आपने ये माना था कि ये हित में है? कैसे हो सकता है? जिसके हित में थे वो कह रहे हित में नहीं है, तो कैसे हित में हो सकते हैं? उनकी सुनो ना। मैं अगर आपके लिए कुछ करूं, आप कहो नहीं नहीं इससे तो मेरा खतरा है, मैं कहूं नहीं नहीं तेरे को पता नहीं है, तू अनपढ़ है, तेरे को पता नहीं है, ये तेरे लिए बड़ा अच्छा है, ऐसे कैसे हो सकता है? किसानों से ज़्यादा खेती किसी को नहीं आती। एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी और एग्रीकल्चरल मिनिस्टर को किसानों से ज़्यादा खेती नहीं आती, ये समझ ले। वो किसानों को सबसे अच्छी आती है खेती। किसानों को या तो समझा देते, इतनी राउंड ऑफ मीटिंग्स हुई, किसानों को समझा देते भैया देखो ऐसे ऐसे है, ये तुम्हारा फ़ायदा होगा, वो समझा नहीं पाए। जबरदस्ती क्या ना, तुम्हारे हित में है, तुम्हारे हित में। किसान कह रहे हैं हमारे हित में नहीं है, हम बर्बाद हो जाएंगे, खेती बर्बाद हो जाएगी। सुन लो उनकी, और उनकी जो डिमांड है वो नहीं पूरी करते। वो कहते MSP दो, कहते नहीं MSP नहीं देंगे। जो वो मांग रहे हैं वो नहीं देंगे, जो वो नहीं मांग रहे वो देंगे, थोपेंगे जबरदस्ती, जिससे उनका कहना है कि खराब है।
तो हम तो ये कह रहे हैं भाई किसानों को अपना भला सबसे ज्यादा पता है, किसानों की सुनो, किसानों के साथ बैठो, वो बताएंगे आपको। पर इसके रिपील से चुनावी फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा या आपको लग रहा है देर हो गई? आपको क्या लग रहा है? ये तो सर्वेस बताएंगे एक एक करके, लेकिन आपका राजनीतिक, मुझे नहीं लग रहा उनको कोई फायदा होगा। अगर तो उन्होंने चुनावी फायदा लेने के लिए किया है तो मुझे लगता है उन्होंने बहुत देर कर दी। यूपी में फायदा होगा? यूपी में फायदा होगा? मुझे नहीं लगता, लोग बहुत नाराज हैं। देखिए, एक साल किसानों को तड़पाने के बाद उनको इतना संघर्ष, 700 किसान शहीद हो गए। 700 कोई छोटा नंबर थोड़ी है, 700 लोग, इतनी धूप, इतनी बारिश, इतनी कड़क सर्दी, उसके अंदर आपने किसानों को संघर्ष करने को मजबूर किया और एक साल बाद आप कहो तो ये। और बड़ी अजीब पार्टी है, जब कानून पास किया था तो बोले क्या वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है, और जब कानून वापस लिया तो बोले वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है। ये बीजेपी कर सकती है। आपने कहा अरविंद जी के पंजाब आप जीतेंगे, उत्तर प्रदेश आपके हिसाब से कौन जीतेगा? जो जनता तय करेगी, जो जनता जनार्दन है। अलायंस कर रहे हैं जनता, समाजवादी पार्टी के साथ? अगर ऐसा कुछ होगा तो हम बताएंगे, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, क्योंकि आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की थी जिसमें आपने सबसे भ्रष्ट नेताओं का नाम पढ़ा था तो उसमें मुलायम सिंह यादव का भी नाम था। मैंने बताया ना कि अभी ऐसा कुछ भी हमने तय नहीं किया, जब करेंगे तो बताएंगे। पर मतलब आप मिल सकते हैं उनके साथ जाकर? अभी ऐसा कुछ है ही नहीं तो मैं क्या बताऊं। अरविंद जी, क्योंकि आपने अभी कहा ना कि हाल ही में आप जब विधानसभा को एड्रेस कर रहे थे, आपने कहा मुझे बीजेपी के नेताओं पर तरस आता है कि इनके नेता इनके साथ क्या क्या कर रहे हैं। आपको नहीं आता? आपको तरस आया था? सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्यों आपको इतना तरस आता है उन पर? जो तीन बेचारे वहाँ पर विधायक हैं, उन्होंने तीन बिल पास किए और ऊपर से आदेश आया भाई सारे जने बोलो कि वाह मोदी जी वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है, तो सारी बीजेपी वाले वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है, वाह क्या मास्टर, सारी बीजेपी कहने लग गई। आधे से ज़्यादा प्राइवेट में कहते थे यार कानून बड़े ख़राब हैं। फिर जब कानून वापस लिए तो शक्ल दिखाने लायक नहीं बचे बीजेपी वाले, लेकिन ऊपर से आदेश आए कि बोलो वह मोदी जी वाह क्या, सारे के शुरू हो गए वाह। आपको भी तरस तो आता ही होगा यार, ये क्या गत बना दी इन लोगों की विचारों की। नहीं अरविंद जी, राजनीति पे तरस तो एक प्रश्न ही अलग हो जाएगा और विमर्श ही अलग हो जाएगा, लेकिन ये बताइए कि उत्तराखंड इकलौता राज्य है जहां पर आपने एक मुख्यमंत्री का चेहरा दिखाया है, ऐलान किया है मुख्यमंत्री के चेहरे का, तो बाकी राज्यों से यहाँ पर फर्क क्यों हो गया? उत्तराखंड में आप अपनी दावेदारी कैसी देख रहे हैं? नहीं, हर जगह करेंगे, समय आने पे करेंगे, समय हमें डिसाइड करना है। हर जगह करेंगे मुख्यमंत्री का चेहरा? उत्तराखंड में सुना है चुनाव नहीं उठ पा रहा है आम आदमी पार्टी का, क्या गलती हो रही है? किसने कहा आपको? सर्वेस कह रहे हैं। कौन सा सर्वे दिखाओ मेरे को, अभी तो ये कह रही है हमने सर्वे कराई हमारा नहीं हुआ है, बाकी हम, हमने है? नहीं किया। आप झूठ बोल रही हैं। हमने नहीं किया है। आप हमें चुनाव हराएंगी यहाँ बैठ के। अशोक सिंघल एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, उत्तराखंड पर ही है, देश देश पर अभी आएंगे हम। अशोक जी, अभी देश देश की तरफ हम एक एक राज्य करते हुए, एक एक प्रदेश, फिर पूरा देश, और इसी 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 क्रम में फिर हम गोवा की तरफ भी चलते हैं, जहां पर गोवा में भी कई काफ़ी समय से आम आदमी पार्टी की बात तो होती है, वहां पर अब धीरे 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 पोस्टर्स भी पड़ते जा रहे हैं, लेकिन गोवा में आपकी राजनीतिक, फिर आप सर्वे पूछेंगे इसलिए, आपकी राजनीतिक समझ आपको गोवा में कहां पर खड़ा कर रही है? देखिए, गोवा के अंदर लोगों ने बीजेपी कांग्रेस दोनों को ट्राई किया। पिछली बार कांग्रेस को 17 सीट मिली थी, 20 सीट चाहिए होती है सरकार बनाने के लिए, 3 सीट कम थी, बीजेपी को 12 सीट मिली थी। 17 में से 13 लोग छोड़ के या 12 लोग छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए, तो इसका क्या मतलब हुआ? अब लोग वहाँ ये कह रहे हैं यार कांग्रेस को वोट देने का क्या फ़ायदा है, तो सारे जाके फिर चुनाव के बाद यहाँ मिल जाते हैं। और बीजेपी खुलेआम कह रही है कि हमारी इस बार अगर 8 सीट भी आ गई तो सरकार तो हमारी बनेगी, क्योंकि चाहे कांग्रेस को मिले वोट चाहे हमें मिले, हम कांग्रेस वाले हमारे में ही आएंगे अल्टीमेटली। ये क्या है, ये तो ठीक नहीं है। तो अब लोगों को एक ईमानदार अल्टरनेटिव चाहिए, वो लोग आम आदमी पार्टी की तरफ ही देख रहे हैं। टीएमसी के आने से घाटा हुआ है या आपका प्लस पॉइंट हुआ है गोवा में? फ्रैंकली मेरे हिसाब से तो अभी टीएमसी को कोई वोट नहीं मिल रहा। आप कह रहे हैं कि नहीं मिल रहा है? मैं हाँ, मेरे पोस्टर तो वहां पे सिर्फ दीदी के दिखाई दे रहे हैं। दिखाई देने जी, पोस्टरों से अगर चुनाव जीते जाते
तो फिर तो इस देश के जो सबसे करोड़पति लोग हैं वही चुनाव जीत लेते हैं। टीएमसी ने क्या आपको इनसाइडर बना दिया है? पहले आप आउटसाइडर थे, अब टीएमसी आ गई हैं तो आप तो ऑटोमेटिकली इनसाइडर हो गए हैं। मुझे लगता है वो अभी चुनाव में वो बहुत कोई प्लेयर नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, पर दीदी के बहुत करीबी आप हैं, ममता बनर्जी आपको पसंद बहुत करती हैं। मैं भी उनको बहुत पसंद करता हूं। आप वो पूरे देश में घूम रही हैं, महाराष्ट्र का दौरा करके आई हैं, तो उस चर्चा में, उस विमर्श में, उस साझेदारी में आप भी हिस्सा होने ही वाले होंगे। मैं परे हूं। नहीं मैं बाहर हूं इस सब चर्चा से, मेरे को ये सब राजनीति समझ नहीं आती, जोड़ तोड़ की राजनीति मेरे को नहीं समझ आती। मेरे को देश से प्रेम। बात कर रहे हैं अरविंद जी आप, कि मैंने कब किया जोड़ तोड़? मतलब आपको ये, मैंने तो कभी नहीं किया जोड़ तोड़ की राजनीति। मैंने कब की? तो कांग्रेस अगर स्कूल ठीक करने हैं, इस देश के स्कूल ठीक करने हैं कॉन्टैक्ट केजरीवाल, इस देश के अस्पताल ठीक करने हैं कॉन्टैक्ट केजरीवाल, अगर आपको बिजली ठीक करनी है इस देश की, पानी ठीक करना है इस देश का, सड़कें ठीक करनी है, नालियां ठीक करनी है कॉन्टैक्ट केजरीवाल, और अगर आपको राजनीति करनी है, जोड़ तोड़ करनी है, ये सब करना है कॉन्टैक्ट ऑल दोज पीपल। करेंगे सर, ठीक करेंगे, मैं मानता हूँ सब कुछ ठीक नहीं हुआ। नहीं मैं सर प्लीज सर सर ये इस पर बात नहीं रहने, हम सवालों तक पहुंच जाएंगे। अरविंद जी अच्छा शांत हो जाइए। अरविंद जी, एनटी रामाराव, एमजी रामचंद्रन, प्रफुल्ल कुमार महांता इलेक्शन से कुछ ही महीने पहले इन्होंने भी पार्टी बनाई और चुनाव जीत गए, उसी राह पर हैं आप? कोई भी राह कह लीजिए, हम तो अच्छी राह पे हैं, जो भी कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं। उतना ही आत्मविश्वास है, उतना ही कॉन्फिडेंस है, जनता पे विश्वास है। देखो मैंने जो अपने छोटे से राजनीतिक जीवन में देखा है, अगर आप ईमानदारी से काम करें और जनता के लिए काम करें, जनता आपको वोट देती है। हमारे पास तो पैसा भी नहीं है, कभी भी नहीं था, हमारे पास तो साधन भी नहीं थे। एक छोटे से पहले चुनाव में आप खुद सोचो, 2013 का पहला चुनाव लड़े थे, जनता ने क्यों वोट दिया? जनता ने देखा यार ये अन्ना आंदोलन लड़े थे, ये चार पांच लड़के बड़े ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं, देशभक्त हैं, थोड़े जिद्दी हैं, और जनता ने देख के वोट दिया। तो आप अगर ईमानदारी से वोट देंगे, जनता देख लेती है, जनता को सब समझ आता है। अरविंद जी आप कह रहे हैं आपको राजनीति समझ नहीं आती, पर अगर आज के दौर में देखें, आपने बीजेपी को कांटे की टक्कर दी है, हराया है। दीदी की आप बात करते हैं, आप उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपने बहुत बार बोला है उनने हराया है। तो ये दो ही नेता हैं अगर देखा जाए आज के दौर में जो ऑपोजिशन को लीड कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बीजेपी को टक्कर दी है, मतलब बिल्कुल ही जो जगरनॉट था बीजेपी का रोका है आप दोनों ने। अब ममता जी ने कल बोला या दो दिन पहले बोला था कि यूपीए ख़त्म है, आप मानते हैं यूपीए ख़त्म है? मेरे को इस सब पचड़े में नहीं पड़ना। तो आपको लगता है अगर परसों एक समूह बने जो ऑपोजिशन विपक्ष की पार्टियां हैं, आप में हैं आपके, आप उसको लीड कर पाए? नहीं नहीं मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मैं कहां लीड करूंगा, बहुत बड़े बड़े लोग हैं वो सब। गिना दीजिए। नहीं नहीं बहुत बड़े बड़े लोग हैं वो सारी, उन्हीं को मुबारक, मेरे बस की बात नहीं है। नहीं, पर कांग्रेस मेन ऑपोजिशन रहा है आपके हिसाब से, क्योंकि ममता बनर्जी की असली लड़ाई वही दिख रही है। जो पार्टी या जो समूह इस देश के लोगों को उम्मीद देगा और इस देश को आगे बढ़ाने का प्लान देगा, उस देश के साथ इस देश की जनता खड़ी होगी, उस समूह के साथ या उस पार्टी के साथ, बाकी सब नौटंकी है। राजनीति का लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए, मतलब लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए, देश का लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए, जनता का। अगर आप जनता के साथ खड़े हो तो जनता आपका साथ देगी। अगर आप बनाते हो इसको हराना है, उसको हराना है, इसको जिताना है, कर लो घर बैठ के। ये राजनीति गलत राजनीति है। वी लिव इन अ डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। जनता की बात करो, जनता के लिए क्या करोगे, जनता के लिए आपके पास क्या प्लान है, वो असली राजनीति है। अरविंद जी जैसे कोक होता है, कोक लाइट होता है, कहते हैं कि अगर बीजेपी हिंदुत्व है तो आम आदमी पार्टी लाइट हिंदुत्व कर रही है। किसने का लाइट? किसने का लाइट? तो आप भी स्ट्रांग हिंदुत्व कर रहे हैं। असली हिंदुत्व है वो फर्जी हिंदुत्व है। वो फर्जी है, फर्जी है, फर्जी है। आपके हिसाब से हिंदुत्व क्या है? मतलब आप हिंदुत्व है सबसे, हिंदुओं के सबसे श्रद्धेय और सबसे बड़े भगवान कौन है? भगवान रामचंद्र। मेरे हिसाब से भगवान राम का संदेश, उन्होंने जो जो बोला, वाणी उनकी, रामायण में जो जो लिखा है उनकी वाणी, उनका आचरण, यही हिंदुत्व है।
उसके अलावा कुछ भी हिंदुत्व नहीं है। भगवान राम वो हैं जो शबरी के झूठे बेर खाते हैं और ये लोग दलितों का लिंचिंग करते हैं, ये हिंदुत्व नहीं है। कहाँ रामायण में लिखा है कि दूसरे धर्म के लोगों की लिंचिंग करनी चाहिए? कहाँ रामायण में लिखा है कि एक दूसरे से नफरत करनी चाहिए? भगवान राम ने सबसे बड़ा त्याग करके दिखाया। सुबह उनका राज्याभिषेक होने वाला है, भगवान राम राजा बनने वाले हैं अयोध्या के, और रात को शाम को उनके पिताजी उनको बुलाते हैं और केकई कहती है कि राजपाट छोड़ दो। पूरे अयोध्या की जनता उनको प्यार करती थी, वो कहते मैं नहीं छोड़ता, कोई कुछ नहीं कर सकता था। अगले दिन राजा बन जाते, फिर राजा बन जाते तो राम राम नहीं रहते। वो 2 मिनट के अंदर खुशी खुशी स्माइल करते हुए और 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए। ये हिंदुत्व है। हिंदुत्व साम दाम दंड भेद करके इंसान को इंसान से लड़ा के, वो हिंदुत्व नफरत की राजनीति हिंदुत्व नहीं है। अच्छा, एक और इंसिडेंट में बताना है। भगवान राम चले गए अयोध्या वहाँ पे वनवास, फिर भरत आए, भरत को पता चला, भरत जाते हैं उनको वापस लाने के लिए और दोनों भाइयों में झगड़ा हो रहा है। क्या झगड़ा हो रहा है? वो कहता है राज तेरा, वो कहता है राज तेरा। मुझे लगता है मानव जाति के इतिहास में इतना सुंदर सीन कभी देखने को नहीं मिलेगा। दो भाई आज की डेट में अगर लड़ते हैं, आज की डेट में अगर दो भाई लड़ते हैं, वो कहता है बाप की जायदाद मेरी, वो कहता है बाप की जायदाद मेरी, मेरे मेरे की लड़ाई होती है। उस टाइम वो कहता है ये राज तेरा, वो कहता है राज तेरा। ऐसे भगवान के अनुयायी हम लोग हैं, ऐसे हिंदू हम लोग हैं, और हम एक दूसरे को नफरत करनी सिखाते हैं। असली हिंदुत्व है कि हर मुसलमान अपने भगवान की पूजा करे, क्रिश्चियन अपने भगवान की पूजा करे, हिंदू अपने भगवान की पूजा करे, सब लोग शांति से पूजा करें। एक दूसरे की पूजा में विघ्न डालना उस वक्त राक्षसी प्रवृत्ति मानी जाती थी। अगर कोई किसी ऋषि को उसकी तपस्या भंग करता था तो वो राक्षस कहलाता था। ये राक्षसी प्रवृत्ति है, ये हिंदुत्व नहीं है। आपका हिंदुत्व राहुल गांधी का हिंदुत्व मेल खाता है। किसका? राहुल गांधी जी का। मुझे नहीं पता उनका क्या होगा, उनका जो भी। अरविंद जी, आपने हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा तो दे दी, लेकिन आपको फिर चुनावी हिंदू को क्या कहा जाता है? क्योंकि इलेक्शन से ठीक पहले आप अयोध्या गए, राम मंदिर के दर्शन किए। मैं तो हमेशा ही करता हूँ, मैं जब हनुमान चालीसा गाता हूँ तो आपको टाइमिंग ऐसी थी ना सर कि इस देश में तो चुनाव चलते ही रहते हैं। मैं कभी भी मंदिर जाऊंगा तो कहेंगे देखो अब वो वाले चुनाव आने वाले हैं। वो उस समय दिल्ली के चुनाव चल रहे थे। हाँ, तो अब मैं तो किस टाइम जाना चाहिए आप बता दो, मैं उसी टाइम चला जाऊंगा। आप टाइम बता देना। अब जैसे अब फरवरी में चुनाव है, फिर अप्रैल में चुनाव है, फिर दिसंबर में चुनाव है, उसके बाद अगले अप्रैल में चुनाव है। मंदिर जाएं ना जाएं? रोजाना जाएं। आप दिल्ली चुनाव से एन पहले नजर आए थे। कितने दिन पहले जाना चाहिए? 2 महीने? अभी तो 3 महीने पहले गया हूँ, अब तो मत बोलो चुनाव के लिए। जब राजनीति की उंगलियां उठती हैं एक दूसरे पर तब तय होता है। वो बीजेपी वाले करते रहते हैं, उनको करने दीजिए, उनकी चिंता मत कीजिए। आपने कहा कि आप जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करते, तो उत्तर प्रदेश में क्या आप अखिलेश यादव से हाथ नहीं मिला रहे? और किस राज्य में किसके साथ गठबंधन कर रहे? अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने आपको बताया, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों की कयास हैं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। कयास तो नहीं है, फोटो थी। फोटो थी सर। फोटो खिंचाने, अब मैंने आपके साथ फोटो खिंचा ली तो इसका मतलब ये थोड़ी आज तक के साथ अलायंस हो रहा है। करना चाहे फोटो खिंचाना कौन सी गलत बात? राज्यों को ऐसे देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अभी ममता बनर्जी जो कर रहे हैं आप उस सब में नहीं पढ़ना चाहते हैं, पर 2024 क्या आपके लक्ष्य में नहीं है? क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल जो वाराणसी से चुनाव लड़कर आया। मेरे लक्ष्य में केवल देश है, देश का विकास कैसे होना चाहिए। हम अन्ना आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, हम चुनावी प्राणी नहीं है कि 24 घंटे चुनाव की बात सोचें। हमें वो सब नहीं आता, हमें इस देश के बारे में सोचते हैं कि देश के बारे में क्या प्लान है। आप देश का शानदार प्लान बना लीजिए, देश को कैसे और जनता के बीच में ले जाइए, जनता आपको जिता देगी। लेकिन आप सोचे 2024 का क्या प्लान है, वो सही राजनीति नहीं है, देश के लिए सोचिए। क्या देश प्रधानमंत्री के विकल्प के तौर पर किसी को देख सकता है? और जनता तय करेगी, जनता डिसाइड करती है। आपकी नज़र में आपको कोई दिख रहा है? जनता तय करेगी, जनता तय करेगी कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। जिसको भी प्रधानमंत्री बनाए जनता, वो फिर देश के लिए काम करे, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। वो फिर नफरत की राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए, अच्छी राजनीति होनी चाहिए। क्या अरविंद केजरीवाल लॉन्ग टर्म खेल रहे हैं? क्योंकि आप
मैं फिर से उसी बात पे आती हूँ कि आप एक ऐसे नेता हैं, आपकी एक ऐसी पार्टी है जो एक कांटे का टक्कर दे रही है बीजेपी को, क्या, और आप एक अकेले नेता हैं जिन पे एज आपकी तरफ है। अगर आप दीदी को देखें वो 66 इयर्स की हो गई हैं, अगर आप बाकी जो अपोजिशन लीडर्स देखें, अब एक एज होती है, हो गई है, क्या आप लंबी गेम खेल रहे हैं, मतलब 2024 नहीं 2029 आपका टारगेट है, या फिर 34 या फिर 39, तो लॉन्ग गेम है? पता नहीं। अरविंद जी, एक बार फिर से दिल्ली पर आते हैं, और दिल्ली में इस वक्त दो बड़े मुद्दे, एक पोल्यूशन से जुड़ा हुआ जिस पर आप जवाब दे चुके हैं संक्षेप में, लेकिन दूसरा बड़ा मुद्दा जिसको लेकर अब लगभग 5 साल का वक्त बीत चुका है, वो है यमुना की सफाई का मुद्दा। और इस बार जो तस्वीरें आई वो दरअसल छठ पूजा के वक्त ही हर साल आती हैं, लेकिन समस्या तो बरकरार है ना अरविंद जी, और उसको एड्रेस किया भी जाना चाहिए। मैं मानता हूँ यमुना में बहुत पोल्यूशन है। मैं आज आपके चैनल पे ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि 2025 का जो दिल्ली का चुनाव होगा उसके पहले यमुना साफ कर देंगे, नहीं तो मेरे को वोट मत देना। कैसे माने, 2015 में भी आप ये बोले थे? नहीं, 2015 में यमुना हमारे उसमें था, मैनिफेस्टो में था, 5 साल में, मैं मानता हूँ मैनिफेस्टो में था, 5 साल में हमने दिल्ली के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, स्कूल ख़राब थे, अस्पताल ख़राब थे, ये बिजली ख़राब थी, पानी ख़राब था, ये सारी चीज़ें ठीक की 5 साल के अंदर, काफ़ी काम हुआ, और ये 70 साल का जो गड़बड़ है ये केवल 5 साल में पूरी नहीं हो सकती। तो लेकिन अब हम पूरी वो वाली चीज़ें अब थोड़ा ठीक हो गई हैं, तो एक अपना ढर्रे पे आ गई हैं, चलने लग गई हैं। अब पूरा फोकस मेरा यमुना, पानी, सड़कें, इन चीज़ों के ऊपर है, और ये ठीक करेंगे हम। पानी भी आपको 24 घंटे दे देंगे, यमुना भी आपको साफ करके पूरी आज तक की टीम को डुबकी लगवा के आएंगे। पहले आप लगाएंगे? पहले मैं लगाऊंगा। नहीं, तो आचमन के साथ ही उसकी शुरुआत हो जाएगी। आप मतलब आपको विश्वास है कि इतनी जल्दी, जिस समय काल की आप बात कर रहे हैं, ये छोटा समय, आपको लग रहा है कि यमुना की सफाई जो इतने सालों से, दशकों से सब बस योजनाओं में सीमित रहा, और जो आप पर भी आरोप लगे कि आपने केवल एक वादा कर दिया, वो आप संभव कर पाएंगे? मुश्किल लगता है ना आपको भी? बहुत मुश्किल है। होगा, मैं कह रहा हूँ होगा। पर अरविंद जी, पोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, आपको भी पता है, मतलब एक टावर यहाँ पर भी लगा हुआ है, दो पोल्यूशन टावर हैं, दो पोल्यूशन टावर से पोल्यूशन ख़त्म होगा क्या अरविंद जी? हाँ, वो देखना पड़ेगा उसको। देखिए, दोनों चीज़ें उसमें, केवल उसकी एफिकेसी भी एक फैक्टर है, उसकी कॉस्ट भी एक फैक्टर है, कि वो कितनी दूरी तक हवा को साफ करता है। कॉस्ट वो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो ये सारी चीज़ें स्टडी करनी पड़ेगी। अभी तो वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पे, एक पायलट बेसिस पे लगा है, उसको पायलट थोड़ा सा और डेटा आ जाने दीजिए, तो उसको स्टडी करेंगे कितना इफेक्टिव है, कितना कॉस्ट इफेक्टिव है, वो सारी चीज़ें अभी स्टडी करेंगे। अरविंद जी, यहाँ पर मौजूद हर शख्स, उसके घर में बच्चा है जो स्कूल रेगुलर जाना चाहता है, अब वो तंग आ गया है, कभी स्कूल खुलते हैं फिर 2 दिन बाद बंद हो जाते हैं फिर खुल जाते हैं, हर बच्चा यही सोच रहा है कि कब दिल्ली के CM एक ऐसा वक्त ला पाएंगे जब हर बच्चा पहले की तरह, प्री कोरोना की तरह स्कूल में रेगुलरली जा पाए। हम भी चाहते हैं, हम भी बड़े कंसर्न्ड हैं, बिकॉज लर्निंग लॉस जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, और हर बच्चे की दोनों चीज़ें हो रही हैं, केवल लर्निंग लॉस नहीं है, बच्चे इमोशनली बहुत ज़्यादा घर में बैठे बैठे संकुचित होते जा रहे हैं, उनकी इमोशनल ग्रोथ नहीं हो पा रही है, वो बहुत ज़रूरी है। जितना भी हमने बीच में खोला था लेकिन फिर पोल्यूशन की वजह से बंद करना पड़ा, जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा हम स्कूल खोलेंगे। अशोक सिंघल एक सवाल पूछना चाहते हैं रिलेटेड, मैं लेकिन थोड़ा अलग ढंग से पूछता हूँ आपसे, एक तो पंजाब को लेके है और एक ममता बनर्जी को लेके है। आपकी जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है आम आदमी वाली, वो चन्नी भी कर रहे हैं, चरणजीत चन्नी, वो कहते हैं मैं भी टेंट लगाता था, मैं भी रिक्शा चलाता था, मैं आम आदमी की तरह काम करता हूँ, मुझको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो कितनी परेशानी आपको वहाँ पंजाब में आ रही है चन्नी? मैंने सुना था उनका स्टेटमेंट, मतलब वो एक दिन कह रहे थे कि मैं मतलब वो हर चीज़ में मेरे को ले आते हैं, कहते हैं मैं हूँ आम आदमी असली, वो बोले। तो कौन है आप? सुनिए, बोले मैं हूँ असली, मेरे को गिल्ली डंडा खेलना आता है, केजरीवाल को आता है, मेरे को गाय का दूध निकालना आता है, केजरीवाल को आता है। मैं उनको कहना चाहता हूँ, मेरे को गिल्ली डंडा खेलना नहीं आता, मेरे को कंचे खेलने नहीं आते, मेरे को स्कूल बनवाने आते हैं, मेरे को गाय का दूध निकालना नहीं आता, मेरे को अस्पताल बनाने आते हैं।
मेरे को झूठे ऐलान करने नहीं आते, मेरे को बिजली सस्ती करनी आती है। पंजाब की जनता तय कर ले कि आपको गिल्ली डंडा खेलने वाला चाहिए कि स्कूल और अस्पताल बनाने वाला चाहिए। केजरीवाल जी, अरविंद जी, एक सवाल है, मतलब वो आम आदमी नहीं है, एक तो ये है असली आम आदमी नहीं है, तो दूसरा सवाल ये है अरविंद जी। नहीं, असली नकली की बात नहीं है। अच्छा, सभी आम आदमी है यार, इसमें कौन सा कंपटीशन है। नहीं, आप पहचान है ना एक लीडरशिप की, आम आदमी की। नहीं, वो भी आम आदमी है, मैं भी आम आदमी हूँ, सभी आम आदमी है, ये कंपटीशन थोड़ी है एक दूसरे के साथ। अच्छा, दूसरा अरविंद जी एक सवाल ये है कि ममता बनर्जी को लेकर आपने बड़ी तारीफ की थी ममता बनर्जी की, आज भी तारीफ कर रहा हूँ, मेरी बड़ी दीदी है। नहीं, आपने कहा लीडरशिप को लेकर के, वैसे तो दीदी हैं आपकी, लेकिन लीडरशिप की बात की थी आपने कि लीडरशिप अच्छी है उनकी, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को वही टक्कर दे सकते हैं, बीजेपी को वो हरा सकते हैं। तो आपका निशाना हमेशा से नरेंद्र मोदी पे रहा है कि उनको हटाना जरूरी है, उनके कार्यशैली को लेके भी हमेशा बोलते रहे हैं। तो आपको लगता है कि ममता बनर्जी जिस ढंग से यूनाइट कर रही है पार्टीज़ को, आपने फिर कहा कि विकास होना चाहिए, मेरा मोटिव ये है, तो क्या मोदी भी कह रहे हैं मैं विकास कर रहा हूँ, तो क्या उनकी लीडरशिप ठीक है? अगर वो ठीक नहीं है तो ममता बनर्जी जिस ढर्रे पर चल पड़ी है, जो पॉलिटिक्स कर रही हैं देश भर में, तो आपको लगता है कि ममता बनर्जी ही मोदी को टक्कर दे सकती हैं? उनकी लीडरशिप में सबको आगे आना चाहिए, स्टेट वाइज स्टेज वो जा करके वो कर रही हैं, तो आपको उनकी लीडरशिप मंजूर है देश के अंदर? देखिए, वो क्या कर रही हैं, मैं, मेरी उनसे बात नहीं हुई कि उनका क्या प्लान है, उनका आगे क्या वो है, मेरी उनसे बात नहीं हुई, तो मैं उस पर कैसे टिप्पणी कर सकता हूँ। अगर वो उनका जो भी आगे का प्लान है, नहीं, उनका जो भी देश के लिए प्लान है आगे का, वो अगर कभी डिटेल में उनसे बात होगी मेरी, तो मैं आप सब लोगों के साथ साझा करूंगा। अभी वो जो भी कर रही हैं, आई विश हर ऑल सक्सेस, लेकिन मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकता, मेरा कमेंट करना ठीक नहीं होगा जब तक मुझे डिटेल्स नहीं पता उनके प्लान्स के। लीडर बहुत अच्छी हैं, शानदार लीडर हैं। अरविंद जी भले कहते हैं कि मैं राजनेता नहीं हूं, मैं, लेकिन नो कमेंट्स की सबसे अच्छी कला, अभी तक इस पर एक भी टिप्पणी नहीं निकाल पाए। पर अरविंद जी ये बताइए, जो आप जिनसे आप बात करते थे पहले, जो आपके खुद के एडवाइजर रह चुके हैं, पीके हैं, प्रशांत किशोर, वो ममता बनर्जी के अभी बहुत क्लोज माने जाते हैं, आपको लगता है सही सलाह दे रहे हैं उनको? सही सलाह दे रहे होंगे, तभी ममता जी ने उनको रखा हुआ है अपने पास, अगर नहीं देते तो ममता जी हटा देती, ममता जी बड़ी इंटेलिजेंट हैं। सही दे रहे हैं। अरविंद जी, एक गाना सुना होगा आपने, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से ख़त्म। एक वक्त ऐसा था जब मोदी जी के नाम से ही आपका हर भाषण, हर संबोधन, हर वाक्य शुरू होता था, बार बार मोदी जी का, बहुत दिन से आपने उनका नाम ही नहीं लिया। कोई सोची समझी ये स्ट्रैटेजी है आपकी, या फिर आप जानबूझकर? आप क्यों उनका नाम सुनना चाहती हैं? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, अगर कोई भी गलत, जैसे तीनों काले कानून आए, हमने कहा कि काले कानून गलत हैं, मैंने तो बोला विधानसभा में, अभी आपने जिक्र किया कि आपने कहा कि इनकी क्या गत बना दी, मैंने बोला, आपने कहा सीनियर लीडर्स ने गत बना दी, आपने किसी का नाम नहीं लिया, आपने कहा मुझे। अच्छा अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मैं कहूँगी मोदी जी ने गत, अगली बार बोल देंगे, अगर आप चाहती हैं तो आपकी इच्छा पूरी करेंगे जरूर। चलिए, 5 राज्यों के चुनाव हैं, आपने पूरी चर्चा की अलग अलग राज्यों को लेकर, हालांकि सर्वेज का इंतजार आप अभी करना चाहेंगे और हम सब भी करना चाहेंगे उसका, लेकिन बेबाकी से सब सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।